हेलो फ्रेंड्स, आज मैं गार्लिक नान बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। ये रेस्टोरेंट स्टाइल नान बनेगा। अगर हमारा गार्लिक नान आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। गार्लिक नान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक बोल में 2 कप मैदा ले लिया है। फिर इसमें हम लोग 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डाल देंगे। फिर इसमें हम लोग 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे। फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, ज़्यादा नमक भी नहीं डालना है। फिर इसमें 2 चम्मच हम लोग तेल डालेंगे, तेल या बटर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे, होममेड दही रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैंने यहाँ पर 5 गार्लिक को क्रश करके उसका पेस्ट बना लिया था, हम लोग वो डालेंगे। और इन सभी को हम लोग अच्छे से मिला लेंगे। हम लोग को इसका एक डो बनाना है अच्छे से, तो हम लोग इसे हाथ से अच्छे से मिला के इसको एक स्मूथ सा डो बना देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम लोग को इसका अच्छा सा डो बनाना है। एक बार इसका आटा अच्छे से बन जाएगा तो हम लोग इस पर थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देंगे, इससे काफ़ी स्मूथ बनेगा। और उसको 2 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। फिर 2 घंटे बाद हम लोग इसे वापस से अच्छे से हाथ से गूंद लेंगे। फिर उसमें से छोटा सा लोई ले लेंगे। फिर उस पर थोड़ा सा हम लोग आटा स्प्रिंकल कर देंगे और उसको हम लोग को फिर अभी बेलना है। हम लोग को काफ़ी पतला इसको बेलना है और गोल नहीं बेलना है, हम लोग को इसको थोड़ा सा ओवल शेप में बेलना है, जैसे नान रहता है। फिर अभी हम लोग को इस नान पे थोड़ा पानी लगाना है। हम लोग को ज़्यादा पानी से गीला भी नहीं करना है, बस एक पानी का लेयर लगाना है अच्छे से। पूरे साइड आपको अच्छे से पानी लगाना पड़ेगा। नान बनाने के लिए हम लोग कोई भी तवा या पैन को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लेंगे। हम लोग को नॉनस्टिक पैन नहीं लेना है, हम लोग को कोई भी तवा ले लेना है। उसको मीडियम फ्लेम पे गरम करके हम लोग को ये नान को अच्छे से उस पर स्टिक कर देना है। जिस साइड पे पानी लगा है उस साइड से हम लोग उसको अच्छे से चिपका देना है। और फिर हम लोग को बबल्स आने का वेट करना है। जब तक इस पर बबल्स ना आए तब तक हम लोग को इसको फ्लिप नहीं करना है। नान के ऊपर लगाने के लिए, ब्रशिंग लगाने के लिए, मैंने यहाँ पे बटर में थोड़ा सा धनिया पत्ती और लहसुन को पीस के इसमें अच्छे से इसका एक पेस्ट बना लिया, जिसको हम लोग अच्छे से लगाएंगे उसके ऊपर। अभी आप देख सकते हैं मेरे नान पे अच्छे बबल्स आ गए, तो मैं इसको दूसरे साइड फ्लिप करके मीडियम फ्लेम पे इसको आग पे पकाऊंगी। ज़्यादा पास भी लेके नहीं जाना है वरना जल जाएगा। हम लोग दूरी से पकाएंगे जब तक ये थोड़ा अच्छे से पक ना जाए। और फिर एक बार ये अच्छे से पक जाएगा तो हम लोग ने जो इसका बटर का स्प्रेड बनाया था उसको ऊपर से हम लोग अच्छे से ब्रश से लगा लेंगे। ये आप देख सकते हैं मेरा नान दोनों साइड से बहुत अच्छे से पक चुका है। आपको इसको अच्छे से पकाना है वरना ये कच्चा रह जाएगा थोड़ी थोड़ी जगह से। तो आपका गार्लिक नान रेडी है। इससे आप धनिया पत्ती से थोड़ा सा गार्निश कर दें और कोई भी सब्जी के साथ सर्व करिए। ये काफ़ी टेस्टी है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।